हां जी सत श्री अकाल, मैं गुलविंदर सिंह बराड। मैं किरणदीप कौर। सुनिया अणसुनिया रोचक कहानियां देखन लई इस पेज नूं लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो ते अपने फैमिली फ्रेंड्स दे नाल अगे जरूर भेजो। ते अज दी कहानी है जो अकबर बीरबल दी, ओ चल रही है, ना हैगा ओदा टाइटल आम का पेड़। आम का पेड़, अंब दा पेड़। हां जी, हुण देखदे इस कहानी विच सानू की मिलदा। मैं भी तुहाडे नाल पहली बारी सुननी आ, मैं भी कदे नहीं सुनिया। लेट्स एंजॉय। हां जी, एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दो भाई राम और श्याम आए। राम ते श्याम आ गए। अच्छा, आम के पेड़ का मालिक होने हाँ। के लिए दोनों भाई आपस में लड़ रहे। लड़ पे, कहिंदा मैं लाउणा, ओह कहिंदा मैं लाउणा। नहीं, ओह कहिंदा मेरा अंब दा पेड़ आ मेरा। अच्छा, ओह कहिंदा मेरा अंब दा पेड़ आ मेरा। अच्छा, राम ने कहा बादशाह मैंने आम का पेड़ लगाया है। श्याम ने कहा बादशाह मैंने भी आम का पेड़ लगाया है। अब आम के पेड़ पर आम आ गया तो राम मेरे आम के पेड़ को छीनना चाहता है। पीछे लड़ पे। अच्छा, पेड़ दे पीछे। हां जी, बादशाह अकबर लै बिचो आम भी झाड़ने उन्होंने, और पेड़ तो की कराना। हाँ, बादशाह अकबर के दरबार में भी दोनों भाई एक दूसरे से लड़ने लगे। अच्छा, बादशाह अकबर को यह साबित करने का सुझाव भी नहीं मिला कि दोनों में से सही कौन कौन आम के पेड़ का असली मालिक है। हाँ, बादशाह अकबर ने बीरबल को इस समस्या हल करने के लिए कहा। आहो, एक कहंदा होना मैं पानी पाउना, दूजा कहंदा मैं भी हाँ, चलो मेरा मेरा कर दे। अच्छा, बीरबल ने कहा आम के पेड़ को दो भाइयों के बीच दो बराबर भागों में काटो। हाँ, सेंटर जो काट दो। अच्छा, बीरबल की बात सुनकर राम खुश नहीं हुआ क्योंकि राम पूरे आम के पेड़ पर अपना अधिकार चाहता था। अच्छा, लेकिन श्याम तो पेड़ काटने की बात सुनकर ही बहुत परेशान हो गया। श्याम ने बीरबल से कहा मैं पेड़ कटते हुए नहीं देख सकता। हाँ, मैंने 5 साल तक पेड़ का पालन पोषण किया है। हाँ, बीरबल ने कहा बादशाह अकबर हाँ, आम के पेड़ का असली मालिक श्याम है क्योंकि श्याम ने पूरे 5 साल तक पेड़ का पालन पोषण किया किया और केवल श्याम ने ही पेड़ के कटने की बात पर चिंता जताई थी। हाँ, राम को पेड़ काटने से कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, जिसने पेड़ की सेवा की है हाँ, वह पेड़ के काटने की बात से ही परेशान होकर अपने मालिक होने का दावा छोड़ दिया। अच्छा, वही पेड़ का महत्व समझ सकता है जिसने पेड़ लगाया है। ठीक है, बीरबल के बातों को सुनकर बादशाह अकबर और सभी दरबारी हाँ, सहमत थे। सहमत हो गए। अच्छा, हाँ जी, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या मिलती है इस कहानी से? हमें यह शिक्षा मिलती है कि हाँ, सच्चा मालिकाना हक जिम्मेदारियों के साथ आता है। ठीक है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेवारी निभाओगे फिर ही तुसी कहोगे भी यह मेरा है मेरा। जिन्हें कहने राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक सिक्के दे दो पहलू आ। आपा कल्ला हक नहीं जता सकते, जिम्मेवारी भी निभानी पैनी। उही नहीं कह सकते मेरा मेरा, यह चीज मेरी आ। अच्छा, जेड़ा बंदा जिम्मेवारी निभाउंदा उनू दुख भी हुंदा यार मेरी चीज खराब ना हो जाए, उनू ज्यादा हुंदा। ते ओदा ही हक हुंदा, राइट ते रिस्पॉन्सिबिलिटी इकट्ठियां चलदियां दो चीजां, आपां इक नूं अट नहीं कर सकते। बहुत अच्छी एदे विचों ज्ञान मिलिया, नॉलेज मिलिया। बीरबल ते अकबर दियां बहुत वधिया कहानियां हुंदियां, मैं भी नवीं सुन लग्या। आपां इकट्ठे आपां सुणदे आं, एंजॉय करदे आं सारे जणे। ते अगली जे तुहानूं वीडियो पसंद आई तां लाइक शेयर फॉलो जरूर करो इस पेज नूं, कमेंट जरूर करो, आपदे फीडबैक दो सानूं ते वध तों वध शेयर करो। कित्थों तुसीं सुणदे आ, केड़ा पिंड आ, केड़ा शहर आ, आपदा नां पता जरूर थल्ले लिख दिया करो तां जो सानूं भी अपना आदान प्रदान रहिंदा बई केड़े बंदे कित्थों तक सुणदे आ। हौसला अफजाई हुंदी आ। बिलकुल बिलकुल, ते मिलांगे हुण नवीं किसी कहानी दे नाल। उदों तक लई सानूं दो आग्या, सत श्री अकाल सारिआं नूं।